दादी और नानी के साथ समय बिताते वक्त आपने कभी ना कभी कहानियाँ जरूर सुनी, फिर चाहे वो राजा रानी की कहानी हो या फिर जंगल के किसी जानवर। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कहानियाँ सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बच्चों को कहानी सुनाने से कई फायदे भी मिलते हैं और अलग अलग रिसर्च में भी इससे जुड़ी कई जानकारी सामने आ चुकी है। चलिए हम भी जानते हैं कहानी सुनने से मिलने वाले फायदों के बारे में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया कि बच्चों को कहानी सुनने से कई मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक लाभ मिलते हैं। उदाहरण के रूप में बोले गए शब्दों की कल्पना करने में मदद और बेहतर शब्दावली जैसे कई लाभ। इस रिसर्च में नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके बच्चों के दिमाग पर कहानी सुनने के प्रभावों का आकलन किया गया है। परिणामों में पाया गया है कि जो बच्चे कहानी सुनते हैं उन्हें कई मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक लाभ प्राप्त होते हैं। कहानी सुनने से बच्चों की सुनने की क्षमता भी मजबूत होती है। शुरुआत से कहानी सुनने की आदत से बच्चों की सुनने की क्षमता काफी मजबूत होती है। दरअसल हर कहानी की एक स्टोरी लाइन होती है जिसे समझने के लिए उसे लगातार सुनना पड़ता है। जब हम लगातार कहानी सुनते हैं तो उससे हमारी सुनने की शक्ति काफी बेहतर होती है। ना सिर्फ पढ़ने की बल्कि सुनने से भी कई शब्द कोश में फायदा मिलता है। कहानी सुनते वक्त तरह तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं जो बच्चों को याद हो जाते हैं। ऐसे में बोलते और लिखते वक्त बच्चे कहानी के दौरान सुने गए शब्दों को भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। साथ ही बच्चों का उच्चारण भी अच्छा होता है। सुनने में हमें शब्दों के इस्तेमाल के सही तरीके के बारे में भी मालूम पड़ता है। शब्दों पर लगी बिंदी का क्या अर्थ है और किस शब्द को कैसे प्रयोग में लेना है, वह सब कुछ। सुनने से बच्चों को सीखने का भी मौका मिलता है। कहानियों से कुछ नया सीखने को मिलता है क्योंकि हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। ऐसे में जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उसे भाव भी समझ आ जाते हैं। जैसे अगर आप बच्चों को चोरी ना करने की शिक्षा से जुड़ी कोई कहानी सुना रहे हैं तो भविष्य में वो कभी ना कभी चोरी करने से पहले कहानी को जरूर याद करेगा। मस्तिष्क का विकास करने में भी कहानी सुनने की आदत बहुत मदद करती है। तो ये थे कुछ बिंदु जिन्हें जानकर ये साफ होता है कि कहानी सुनने से हर बच्चे को कोई ना कोई लाभ जरूर मिलता है। अगर आप ऐसे ही किसी और विषय से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह की अन्य स्टोरी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी गरिमा के साथ।